बैठते हैं खुशी से, आनंद से, एक कहानी सुनने, जो कहानी बहुत सारे मेरे जीवन के पहलू को, कमजोरियों को, उलझनों को, सवालों को सुलझाती चली जाती है। कई कहानियां हमसे बहुत गहराई में कुछ कह के जाती है, आत्मा को झिंझोड़ के जाती है। दिल के अंदर गहरा प्रभाव डालती हुई जाती है। जब भी कोई आत्मा निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करती है, परमात्मा के हर नक्शे कदम पर चलती है, वैसी ही एक आत्मा ब्रह्मा बाबा की जो जग से न्यारी और हम सभी को प्यारी है।
भारत के वाइसरॉय तथा इंग्लैंड के राजा और रानी के नाम पत्र। भारत के वाइस रॉय लॉर्ड वेवल तथा उनकी पत्नी को साहित्य भेजा गया था। लॉर्ड वेवल की पत्नी ने लिखा कि मुझे आपका पत्र मिला, आपकी शुभ चिंता के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार वॉशिंगटन में ब्रिटिश राजदूत को तथा देश विदेश के अन्य राजदूतों को भी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत अंकित करने वाला चक्रकार चित्र और आने वाली महाभारी महाभारत लड़ाई के बारे में प्रकाश डालने वाली पुस्तक ईश्वरीय निमंत्रण सहित भेजी गई। 2 मई 1947 को, जबकि भारत का राजनीतिक बंटवारा नहीं हुआ था, तब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को तथा किंग जॉर्ज 7 को पत्र भेजे गए और उनके साथ सतयुग से लेकर कलयुग के अंत और संगम युग के इतिहास को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष का चित्र भी संलग्न किया गया। इस पत्र में उन्हें लिखा गया है कि किंग जॉर्ज के रूप में प्रिय आत्मन, आपको मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि एक अनादि नाटक है जो कि हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्त होता है। आप भी इस बृहद नाटक के एक एक्टर हैं। क्या आप जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी आपने इस तरह इंग्लैंड के राजा के रूप में इसी नाम और इस तथा इसी शारीरिक आकृति से पार्ट बजाया था और 5000 वर्ष के बाद फिर आप अपना ये पार्ट दोहराएंगे? इस अनादि पुनरावृत्ति ड्रामा में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय है। अब विश्व में कोई भी विकृत धर्म जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म नहीं रहेगा, बल्कि अब सतयुग आएगा जिसमें कि सबका केवल एक ही सच्चा दैवी धर्म अर्थात पवित्रता रूपी धर्म होगा। भले ही आज ईसाई राष्ट्र यह समझ के बैठे हैं कि ये एटम बम आदि द्वारा वे विश्व का राज्य प्राप्त कर लेंगे, परंतु वास्तव में यह उनके मन की कल्पना है। वास्तव में इन बमों अथवा मुसलों द्वारा उनका महाविनाश होगा। विश्व का सतयुगी दैवी स्वराज्य तो श्री कृष्ण के ही हाथ में आएगा। क्या आपको मालूम है कि आपके इलाके में, भारत देश में, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह सतयुग की पुनः स्थापना का दिव्य कार्य चल रहा है? गुप्त रूप में होने के कारण उन पर प्रांतीय तथा आपकी विदेशी सरकार द्वारा अत्याचार हुए हैं। आप जिनके शासन काल में परमपिता परमात्मा का अवतरण हुआ है, उस परमपिता के स्वरूप के बारे में आप पर अपरिचित हैं। आपको मालूम रहे कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवी तन में अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ की पुनः स्थापना की है, जिसकी दिव्य शक्ति के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक धर्मों से होने वाला कलह कुछ ही समय के बाद मिट जाएगा। अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लोगों को स्वराज्य देने की बात चलाकर फूट के बीज बो दिए हैं और स्वयं एक और खड़े होकर उन द्वारा एक दूसरों को जलाने का तमाशा देखने की चाल चली है। उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि वे भी 5000 वर्ष पहले की तरह अपना पाठ पुनरावृत्त कर रहे हैं। भविष्य में जो महाविनाश आएगा, उसमें पाश्चात्य राष्ट्रों के साथ यहाँ भारत में कलह करने वालों का भी विनाश होना
अवश्य भावी है। उसके बाद पृथ्वी पर संपूर्ण पवित्रता, सुख और शांति संपन्न देवी राज स्वराज्य प्रकट होगा। हम आपको कुछ साहित्य भेज रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से इन रहस्यों को खोला गया है। देखिए तो किंग जॉर्ज तथा क्वीन एलिजाबेथ को सुनहरी कागज पर सुनहरी अक्षरों में चित्रों सहित अलग अलग भेजा गया। यह पत्र कितना स्पष्ट है, परंतु फिर भी तो राज्य के नशे में चूर उन दोनों ने प्रभु को जानने की चेष्टा ही नहीं की। मोहम्मद अली जिन्ना, प्रेसिडेंट मैन तथा नेपाल और उदय के महाराजा आदि को भी पत्र लिखा बाबा ने। जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र भिजवाया। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है, परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की संस्थापना कर रहे हो, आपको स्वप्न तक में भी शायद यह विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूटमार, कत्ल, अग्निकांड और छुर्रेबाजी होगी और निर्दोष नर नारियों पर और बच्चों पर इतने अत्याचार होंगे जैसे कि अभी हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्मानुभूति नहीं कर लेता है ना, तो परमपिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता, तब तक वह सही मानों में पाकिस्तान पवित्र देवताओं का देश स्थापन नहीं कर सकता। अतः आप यह अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूं कि आप इस अति पवित्र राजसूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखे तथा जाने कि किस प्रकार की हम शक्तियां, जो कि आपकी शुभ चिंतिका है, सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मानों में पाक स्थान पवित्र राज स्वराज्य स्थापन कर रही हैं। उस शांत दैवी सृष्टि में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और इस संसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ले। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रुमन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया और इस अविनाश ईश्वरीय पत्र यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्मानुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य, देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि आदि ने उसकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। बंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इंडस्ट्रियल इलस्ट्रेटेड वीकली, अरानाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि आदि समाचार पत्रों में भी संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया,
ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करें और स्वयं भी उससे लाभ उठाएं। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र की भी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट नहीं किया। मनुष्य तो कह देते हैं कि हे प्रभु, तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वो प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं, तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो पाकिस्तान है, तब मनुष्य पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान जी ने अपने पत्र में ब्रह्मा कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा, उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां, द लिबरेटर ऑफ वर्ल्ड लाइक कल्प अगो, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची, इस पते पर भेजा। परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतया लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों, तारों तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सतयुग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञ वत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का भी संकल्प किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के दिव्य चित्र भी काफी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित है। बाबा इन चित्रों से को बहुत ही अनमोल बताते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्प वृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा, वह सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताउसी तख्त, माना ताउसी तख्त जो है ना, आप लिख लो इसका मीनिंग, स्पेशली उषा बहन जी हो तो जरूर लिखो। ताउसी तख्त माना पीकॉक थ्रोन, है ना, माना जो मोरासन, मयूरासन, ताउसी तख्त माना मयूरासन। तो बाबा के लिखा गया है कि सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताउसी तख्त माना पीकॉक थ्रोन को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे कि यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्म पत्री है, अथवा जीवन की पहेली को हल करने के करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ये ईश्वरीय सौगात है। उन दिनों बाबा ने बहुत से ईश्वरीय निमंत्रण पुस्तिकाएं, बुकलेट्स, हैंडबिल, ब्रोशर्स आदि आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी जमीन है, ये मेरे जेवर हैं, आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द प्रयोग करने वाली मैं वास्तव में हूँ कौन, व्हाट आई एम। इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम एक सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिवान बीज रूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश में करने के तरीके पर भी पुस्तकें हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपवाई गई थी। कुछ प्रश्नावलियां भी प्रकाशित की गई थी जो कि नए जिज्ञासु से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्र शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियां अथवा ज्ञान गंगाएं
भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। चेतन ज्ञान गंगाए पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर, अब ब्रह्मावस्त ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवार्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। संयोगवश अपने अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह से तो हो रहा था कि जिससे उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्र संबंधियों से अनेक यज्ञ वत्सों को उनके वहां आकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए थे। अतः इन ब्रह्मा वत्सों का अलौकिक सेवार्थ भिन्न नगरों में जाना शुरू हो गया। सन 1952 की बात है कि ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी अहमदाबाद के एक व्यक्ति के निमंत्रण पर वहां ईश्वरीय ज्ञान वितरणार्थ गई। वहां व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत पसंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ के लिए भेंट किए। परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा कि हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती है, इस पवित्र ज्ञान ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा तो पूरी तरह ली नहीं है, न इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ आरंभ किया है। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आप द्वारा यह धन स्वीकार करने में असमर्थ है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस बात को सुना कि वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती तो उसे बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के जमाने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधुओं और महात्माओं को धन देते हैं तब वे तो उसे झट स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें बहुत हर्ष होता है, परंतु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा धार्मिक स्थान और ऐसी बहनें देखी है जो कहती है कि हम धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, इनके जीवन में त्याग है, उन्होंने कुछ असूल अपनाए हैं। ये बहुत ही ऊंची आत्माएं हैं। वह ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन में प्रभावित होकर जब अहमदाबाद लौटे तो वहां से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद में आने का निमंत्रण पत्र भेज दिया। उसी निमंत्रण पत्र को स्वीकार करके ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी अहमदाबाद चली गई। इसके शीघ्र ही बाद ब्रह्मा कुमारी दादी मनमोहिनी जी तथा रुक्मिणी जी अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गई थी और वहां से लौटते समय उन्होंने दिल्ली आकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्मा कुमारी संतरी जी, सती जी, प्रकाशमणि जी और ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंत्रण पर गए। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंद्रा जी तथा गंगे दादी जी को दिल्ली में निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सेवा अर्थ जाना हुआ था। इस प्रकार कोई यज्ञवत्स पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद बाहर लोगों के यहाँ जाने का उनका पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था।
14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का एक अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी, जो कि वर्तमान समय मेरठ में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित है, वह लिखती हैं, क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन का एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसा लिया। इस जन्म में मेरा अभिप्राय है कि शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह कर एक घर से मर कर दूसरे घर में जन्म लेने के समान ही होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार से माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला निश्चिंत स्वतंत्र पवित्र जीवन समाप्त होकर उसका पराधीन परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ हो जाता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती है और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये दो जन्म तो प्रायः हरेक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म और इसके अलावा भी लिए हैं। आप सोचते होंगे कि ये 2 जन्म कौन से हैं, 2 और जन्म कौन से हैं। जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तो वो मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसीलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि जब मैंने परमपिता परमात्मा को रूप में पिता के रूप में उसे अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रसम और लोक लाज को मैंने छोड़ दिया, तब परमपिता परमात्मा जो सदगुरु के रूप में मिले तो सभी दैहिक नाकों को भूलकर उनके मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पवित्रता नारी, पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमपिता परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी इस संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के नाते फिर मुझे भुलाने पड़े। हाँ दमयंती बहन, अभी 1 घंटे पहले आप मुझे बोल रहे थे ना, बाबा से विवाह कर लिया है, राइट? तो आ गया ना। हाँ, तो ये हमारी, अब नहीं लगता ये हमारी सबकी कहानी है ना, कहीं ना कहीं योग में कहीं ना कोई कोई ना कोई अनुभव बाबा ने कराए हैं और वो ही सब अंकित हुए हैं। तो ये मेरा दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म हुआ। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले 2 जन्म तो लिए थे जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ, उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मर्जीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जन्म में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाना तथा मन से बिसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करने की अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर के से आत्मा को जो संस्कार पक्के हो गए थे उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था, है ना। बहुत वो ससुराल जाके वो मायके वाले को भूलना, वो कहते हैं, दादी कहते हैं, वो इजी है, लेकिन इस कलयुगी जीवन में अपने पुराने संबंधों को छोड़ना, अपनी पुराने संस्कारों को छोड़ना, उससे मरकर नया जीवन पवित्रता का जीना, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं? वो जीवन लेना, वो जन्म लेना,
वो इसलिए उन्होंने कहा ना कि वो सब तो इजी था ना, लेकिन यहाँ पर लौकिक को देखते हुए भी उसे अलौकिक में परिवर्तन कर देना, और ये मेरे कोई सगे संबंधी नहीं है अभी, है ना, तो बुद्धि सगे संबंधी की नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वो मर जाना, उस स्मृति से मर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो दादी कहती है, जन्म जन्मांतर के आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कोई कम मेहनत नहीं थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पांव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखना यह पुरुषार्थ था। और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था। और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर को काट कर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की ये अनोखी बात थी। इसीलिए ही तो इस जीवन को मरजीवा जन्म कहा जाता है। तो जब मुरली में आता है ना, ये मरजीवा जन्म है, तो मरजीवा जन्म का डेफिनेशन समझा, ये है मरजीवा जन्म। तो पुस्तक में लिखा गया है कि इसी को मरजीवा जन्म कहा जाता है। और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज तथा दूसरा जन्म लेना वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत और ब्राह्मण पवित्र बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी ये अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख से, मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारियां और कुमार कहलाएंगे। यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षाएं शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से एक ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ, और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे, माना अडेप्टिव बच्चे बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें? नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते। हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता है। अति इंद्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया है, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी किसी ने ही पाया है। तो तीसरा जन्म कौन सा? तीसरा जन्म कौन सा कहा दादी ने? कि जो है पुरानी दुनिया से मरना, और पुरानी दुनिया से मरना, पुराने संस्कारों से मरना, पुरानी बातों से बनना, पुराने रिश्तों से मरना, उस मर्जी वे जीवन को दादी ने तीसरा नया जीवन कहा। विकारी जीवन से मरना, ब्राह्मण जिनो ब्रह्मा बाबा के द्वारा एडॉप्टेड चाइल्ड को एक्सेप्ट करना, तो वो एक नया जन्म है। अब चौथा जन्म हुआ ये कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा ने यज्ञ वत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा।
उस समय के संस्कार कैसे होंगे और वहां का खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण करावनहार दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे दिया? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया और उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मनाई थी, थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से कोई बात करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को मैं देखती थी। निरंतर योग अभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह यह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद में ही मेरा एकमात्र काम था बस। इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित, तिरोभावित माना मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई और सभी दैहिक नाते मुझे भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु या परिचय कुछ भी याद नहीं था। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे न पहचान थी न स्मृति रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे उनके भी नाम मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में स्वयं को अनुभव किया। वहां की ही भाषा तथा बोल चाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर में निकलती थी। वहां के ही देवी देवता जैसी ही सतोप्रधान संस्कारों का मेरे मन पे प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम क्रोध लोभ आदि का अर्थ व्यवहार या विचार जानती तक नहीं थी। इस कलयुगी संस्कार की भाषा चेष्टा हाव भाव रीति रसम आदि को भी मैं समझती तक नहीं थी। मेरे नेत्र वही थे परंतु देखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर लिया था कि जो जो भी यज्ञवत्स मेरे सामने आते मेरे मन की उनकी मेरे मन में उनकी वह सूरत और सीरत, उनका वह नाम धाम, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप में अंकित हो जाता था जो कि भविष्य में सतयुग की सृष्टि में उन्हें मिलने वाला था। मुझे से यज्ञवत्स कई बातें पूछती थी कि आप कौन हो, तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि में की एक शहजादी राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम आयु आदि बताती थी। और जब वे पूछते थे कि फलाना जो यज्ञवत्स है वह कौन है, तो मैं उसे भी सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती थी उस रूप में उसका वर्णन करती थी। कौन कौन से राज्य का राजा है, कौन मेरा माता पिता है, उनका भी मैं पता बता देती थी। और मेरा पाठ लगभग 1-1.5 मास तक ये चला। मैं सतयुगी देवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार में दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था और सभी सोचते थे कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन में कैसे चलेगा। परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी में अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह ही मेरी चालन चाल ढाल, मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना। जब मेरा वह पाठ समाप्त हुआ तब भी बहुत दिनों तक मुझे
अपने दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञ वत्सों के नाम आदि भी याद नहीं थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञ वत्सों का तथा मेरे मर्जीवा जन्म का मुझे परिचय याद दिलाया गया, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो गया और दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा अब ये देवताई जीवन का पाठ हल्का हो गया। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास तक मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और मैं एक दैवी शहजादी की तरह रहती थी। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल भी पता नहीं था। बस मैं यही जानती थी कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम हो गई थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जीवन मानती हूँ, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा का ही दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ था और इससे मेरे जीवन में एक और पलटा आया। इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफी समय यज्ञ के दैवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में ही हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर अपने लौकिक परिवार की ज्ञान सेवा अर्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। माउंट आबू के मैं बस स्टैंड में से बस लेकर मैं जब आबू रोड तक पहुंची तो ये दुनिया ही बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछड़ कर हम पहली बार जा रही थी, इसलिए मन में एक और तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नरक जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस मैं अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाऊं, जहां पर ऐसी अशुद्ध मन तरंगे नाम मात्र भी न हो। परंतु सेवा अर्थ तो जाना ही था, इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गई। रेल में लोगों की दृष्टि वृत्ति, बोल चाल, रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब ये संसार बहुत बिगड़ चुका है और मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गए हैं। तभी कवि का एक गीत स्मरण होता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला रे आसमान, देखो कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके सभी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से ये हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों ये घर उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ब्रह्मा कुमारी सीतू जी कहती हैं कि बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर से संसार का कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता था कि अब सरकार में का कौन सा सिक्का चल रहा है। हम जब यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा ही नहीं लिया था, क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना था नहीं। हमें तो कुछ ईश्वरीय सब कुछ ईश्वरीय भंडारे से ही बिना मांगे मिल जाता था। बाबा का यह आदेश था कि यज्ञ वत्स को कभी भी कुछ भी मांगना नहीं पड़ना चाहिए। बाबा कहा करते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। अतः अब जबकि यज्ञ वत्स देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अहो प्रभु द्वारा पालन की उस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें।
उस अलबेले फिक्र से फारीग जीवन की घड़ियों की तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा गया है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। तो मैं यह बता रही थी कि हमें संसार के सिक्कों का भी कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया ही एक न्यारी और प्यारी, एक ईश्वरीय दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहां आकर रहता था तो वो समझ सकता था कि सचमुच भोलानाथ शिव एक नई सरल स्वभाव वाली पवित्र पुष्पों वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी दो दैवी बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं गई थी तो एक छोटी सी समस्या उनके सामने आई। उन्हें एक तांगे वाले को अठन्नी देनी थी और वे वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि तांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात ये थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग, जो दोनों की साइज, सिक्के की साइज जो थी वो बराबर थी। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखा और जो सिक्का उन्हों के घेरे में छोटा पाया उन्होंने अठन्नी मानकर तांगे वाले को दे दी, क्योंकि वे दो बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए यह सौभाग्य की बात मानती है कि वे केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ी थी। उन्होंने उस कलयुगी नरकीय संसार की छीछी बातें न पढ़ी थी न सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी ले लिया था ताकि वो लेन देन भी कर सके। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मा कुमारिया यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवा अर्थ गई तो समझा जा सकता है ना कि हमें ये संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते थे कि हम विकारियों को जीत ही नहीं सकते हैं तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था कि क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान की वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव निर्मल हो गया था। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में ब्रह्मा कुमारी गंगा दादी जी लिखती हैं। रेल में बैठे हुए भी हमें अपने यज्ञ की याद आती रही और बाबा की, और हमारा मन खींचा जा रहा था। आखिर मन को हमने जैसे तैसे अपने काबू में करके पास बैठी हुई दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के ये महावाक्य याद आ गए कि बच्ची, जब आप यह ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाओगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रिज कोठी में बाबा से विदा ले रही थी तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि को निखारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना, खूब सर्विस करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा तुम्हारा पवित्र जीवन देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अब वही महावाक्य साकार में हो रहे थे। अस्तु, हम मनोहर इंदिरा बहन जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुंची जिन्होंने हमें निमंत्रण पत्र में लिखकर भेजा था कि आप आकर अपने 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ और ज्ञान अमृत पिलाओ। हमने उन्हें यह तो सूचना दे ही दी थी कि हम लोग प्रातः बहुत जल्दी उठती हैं और स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन हो जाती हैं, अतः हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिए होगा। हमने उन्हें यह भी बताया हुआ था कि हम अपने ही हाथों से अपना ही भोजन बनाती हैं। तो भक्ति में भी ये अपने ही हाथों से भोजन बनाने का, ये भक्ति में भी रस्म है जिसे स्वयं पाक का व्रत कहा जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी जो बहने होती है तो हम किसी के भी हाथ का नहीं खाते हैं ना। तो जैसे मैं घर में रहती थी
लेकिन ना मैंने कभी अपनी भाभी के हाथ का खाया, ना अभी भी मैं जाती हूँ, अगर लौकिक में भी जाती हूँ तो वो ज्ञान में नहीं है, तो मैं अपने परिवार के हाथ का नहीं खाती हूँ, मेरी बहन का हाथ का नहीं खाती हूँ, मेरी भाभी के हाथ का नहीं खाती हूँ। तो जो हम खुद बनाते हैं, जहाँ जाते हैं हम खुद खाना बनाते हैं और खुद के ही हाथ का खाते हैं, जो ज्ञान में है, ईश्वरीय धारणाएं करते हैं, उन्हीं के हाथ का खाना है। क्यों खाना है? क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि भोजन का प्रभाव मन पर पड़ता है, और जो आत्माएं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती है, ज्ञान पवित्रता का धारण नहीं करती है, ज्ञान सुनती नहीं है, उनकी बुद्धि का कैसी उनकी बुद्धि चलती होगी और कैसा उनके हाथ का भोजन, और वो खा के हम फिर योग में बैठेंगे और फिर कंप्लेन करेंगे, योग नहीं लगता है, फिर कंप्लेन करेंगे ना, योग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो खाया है, जिसके हाथ का खाया है, उसका प्रभाव जो है वो बुद्धि पर पड़ता है, तो वो बुद्धि में फिर बाबा की याद लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जितना हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं तो स्थिति भी कॉम्प्रोमाइज होती जाती है। इसीलिए दादियां पहले से ही ये रसम है कि आप जिसके भी घर पर जाओ उनको बताओ, अलग से बर्तन होते हैं तो उनमें भोजन बनाओ, खुद भोजन बनाओ अपने हाथों से और खाओ। हम अपनी हाथों से ही बनाया हुआ भोजन खाते हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्यास आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था कर दी थी। अतः जब हम उनके यहाँ जाकर ठहरी तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही चलती थी। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने तथा भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देती थी। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाती थी और पवित्रता का मार्ग भी दर्शाती थी। उन पर हमारे जीवन का काफी प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए उन नियमों का पालन करना कठिन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और इंदिरा जी से भेंट। जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरी हुई थी तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तथा इंदिरा गांधी जी से भी मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन हमारे ऊपर हंसने लगे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे कि नेहरू जी से आप कैसे मिल सकते हैं, वे तो जनता को मिलने का समय नहीं देते हैं। जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण बात ना हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेताज बादशाह हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। यदि वह इस प्रकार सभी को मिलने का समय दे तब तो वे कोई काम कर सक तब तो वो कोई काम ही नहीं कर सकते। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते थे। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा था कि हम दिल्ली में पहली बार आई थी और दिल्ली के रास्तों से परिचित नहीं थी। खैर, जब हमने अपने लौकिक संबंधियों का उत्साहवर्धक रुख देखा तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने के लिए निकल पड़ी। बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा मुख्य साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए हमें आदेश दिया था। अतः हमने सोचा कि हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो प्रभु संदेश देने जा रही हो, अतः चलो हम चलती हैं। आखिर हम तीन मूर्ति भवन में जाकर पहुंची। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। पहले हम इंदिरा जी से मिली। उन्होंने हमसे पूछा कि यह ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहां कितनी माताएं रहती है,
क्या ज्ञान देते हैं आदि आदि। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया, उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वो रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिससे वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश और जीवन में पवित्रता की आवश्यकता आदि आदि पर प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे हुए संदेश का सार बताया। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जो कि लाल किले के निकट है, उसमें भी हमारे दोषवन भाषण हुए थे। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर एक कमरा हमारे निवास के लिए तथा आने वाले जिज्ञासुओं से वार्तालाप करने के लिए दिया था। जिन दिनों हम वहां ठहरी हुई थी, उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आती थी। उन्हें जब ईश्वरीय ज्ञान हम सुनाती थी तो वो बहुत ही आनंदित हो जाती थी। पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिठाती थी। उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता था। कुछ एक माताएं ध्यान में भी चली जाती थी। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार होते थे। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ देर भी हो जाती थी तो वे घर वाले को आत्मिक नशे में दिखाई देती थी। उनके घर वाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। जिस किसी को साक्षात्कार हुआ होता था वह अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाती थी, परंतु उनके कुटुंबी कहते थे ये भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया होगा। अरे, साक्षात्कार होना क्या ये कोई मामूली और सहज बात है? घोर तपस्या करने पर ऋषि मुनियों को भी साक्षात्कार नहीं होते? वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में जाने नहीं देते थे, और यदि वे हज करती थी तो वो उन्हें मारते पीटते थे। कुछ पुरुष यह देखने चले जाते थे कि यह कैसा जादू है, परंतु जब वे सम्मुख आकर ज्ञान सुनते थे और वहां का वातावरण देखते थे तब वे समझ जाते थे कि इन बहनों का जीवन उच्च और प्रभावशाली है तथा यह जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला और प्रभु से प्रीति पैदा कराने वाला है। जो सम्मुख आकर ज्ञान नहीं सुनते थे वो तो भ्रांतियों में ही पड़े रहते थे। हम डेढ़ या दो मास उस मंदिर में ही रही होगी। दिनों दिन सत्संग में आने वाले की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताएं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर ज्यादा है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम होता जा रहा है तथा योग की ओर अधिक होता जा रहा है। उन्होंने यह भी देखा यह बहनें देवताओं की पूजा करने की बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षाएं देती है, और देवों के भी देव जो एक परमपिता परमात्मा शिव है उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती है, जिस पर लोग आकर्षित होते जा रहे हैं। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था वो समय अभी पूरा होता है और अब तो यहाँ पर कोई महात्मा आने वाले हैं और हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली माताएं कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि सत्संग बंद हो जाए। अतः उन्होंने प्रबंधकों के से आग्रह किया, जिससे फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे परंतु हमें निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान करना पड़ा। अब हम नित्य प्रति प्रात काल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी, सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भाषण किया करती थी।
कुछ दिन हमारा यह प्रोग्राम चलता रहा। इसी बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और उन्होंने दिल्ली के एक घंटा घर भी बनाया हुआ है, उनकी माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर लिया। वह धर्मपरायण थी, इसीलिए उन्होंने हमें काफी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहां ही प्रवचन चलते रहे। सुनने वालों की संख्या बढ़ती गई। यहाँ भी कई एक को दिव्य साक्षात्कार होते गए। दिव्य बुद्धि में दाता परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था वो हम सुनती थी और परमपिता परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान आदि अशुद्ध होता था, वो भला इन बातों को समझ कैसे सकते थे? ठीक है, आई जस्ट क्रॉस 5 मिनट्स। ओम शांति। तो 221 पेज पर हम रुके हैं। ऋषिकेश, दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्ड, ऋषिकेश। ओके, ओम शांति। तो आज जैसे दादियों ने मंदिरों में सेवा की, तो चलो हम मंदिरों में चक्कर लगाते हैं और मंदिरों के जो वो भक्त है, जो घंटे बजाते हैं, जो गाने गाते हैं, जो भगवान को ढूंढते हैं, जो दरवाजे खटखटाते हैं, है ना, जो सर टेकते हैं, सरों को झुकाते हैं, राइट। तो ऐसी आत्माएं जो एक दर्शन के लिए प्यासी है, जो एक परमात्मा के एक दर्शन के लिए भी प्यासी है, उनके आशीर्वाद के लिए प्यासी है, अब ऐसी आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान कैसे देंगे? तो चलो अभी हम भारत जाते हैं और जहां जहां आपने मंदिर में परिक्रमा की है या मंदिर भारत के देखे हैं, आप वहां जाएंगे, है ना। हर एक ने आप, अभी मैं आपको कहूं कि दिल्ली का वो गौरी शंकर का मंदिर देखो, आपने देखा नहीं है, कहां से विजुअलाइज करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो मंदिर आपने देखा है उस मंदिर में आप जाएंगे, आपके गांव का मंदिर, आपके आसपास का मंदिर। अगर नहीं गए हैं इंडिया और यहाँ के, यहाँ पर पैदाइश हुई है, तो वो मंदिर जिसमें आप कभी गए हैं उस मंदिर को आप इमर्ज करो और अपने को मंदिर में बैठकर सफेद वस्त्रों में तपस्वी रूप में बैठी हुई देखो, मूर्ति के बाजू में तपस्या करती हुई मैं आत्मा बैठी हूं मंदिर में, इस तरह से इमर्ज करो। मंदिर में जड़ मूर्ति के बाजू में चैतन्य तपस्वी बनकर बैठी हूं। मैंने सफेद वस्त्र धारण किए हैं। बाबा ने मुझे अपना कर अपना बच्चा बनाया है। बाबा रोज मुझ में ज्ञान का ध्रुत भरते हैं। और इस ज्ञान का दीपक जलाती हुई मैं साक्षी बनकर मंदिर का दृश्य देखती हूँ। भक्तों की लंबी लाइन है,
कोई घंट बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई तालियां बजा रहा है, कई मंदिर की मूर्ति को एक पल की दर्शन की प्यासी आत्माएं एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। बस एक दरस की प्यासी कोई अपना आंचल फैलाते हैं, कोई झोली फैलाकर हाथ जोड़कर मन्नते करता है, कुछ कृपा करो प्रभु, झोली भरो प्रभु, सद्बुद्धि दे दो प्रभु, ये मांगने वाली आत्मा और दूसरी ओर निराकार ज्योतिर्लिंगम के प्रभु प्यार में मगन में आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा मैं देवी की जड़ मूर्ति में प्रवेश कर रही हूं। और भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर रही हूं। भक्तों की पुकार बंद हो गई, मंदिर के घंटे बंद हो गए, लोगों ने झोली फैलाना बंद कर दिया और मात्र दर्शन दिव्य दृष्टि के द्वारा ज्योति परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। सभी आत्माओं को शिव परमात्मा का ज्योति स्वरूप दिखाई दे रहा है। आत्माएं शांत होती जा रही हैं। शीतल होती जा रही है। बैठ गई है सारी आत्माएं शांति से। और सारा मंदिर प्रकाशमय हो चुका है। हर आत्मा को निराकार शिव बाबा का साक्षात्कार हो रहा है।
सभी को सिर्फ ज्योति दिखाई दे रही है। जस्ट लाइट। Point of light, प्रकाश ही गहरा सन्नाटा है। और आत्माएं तृप्त होती जा रही हैं। गहरी शांति की अनुभूति प्राप्त कर रही आत्माएं।